मटककड़ा गांव ऐतिहासिक गांव है, लेकिन विकास के मामले में मटककड़ा मतलब आज़ादी के बाद जो है माने शून्य था, लेकिन जब से यह दीनदयाल पंडित दीनदयाल ज्योति ग्राम योजना जब बीजेपी सरकार लाई है और इसमें हमारे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे गांव में लगभग बिजली माने बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, जो कि माने हमारे लिए एक अभूतपूर्व है और बहुत माने हमारे लिए एक माने खुशी की बात है। सारण संसदीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव थे जो आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं है और ये मटककड़ा गांव अपने आप में एक उदाहरण है। इस गांव में ना तो बूथ था, ना गांव तक आने का सड़क और ना ही 70 वर्षों में बिजली, लेकिन आज ये सच्चाई है और आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, देश के प्रधानमंत्री का बड़ा तोहफा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही बड़ा तोहफा और आज सारण जिले के इस प्रकार से जो मटककड़ा गांव बिल्कुल दियरा क्षेत्र में जो हरदिया चवर में अवस्थित एक गांव है उसमें आज जगमगाता बिजली, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, ये सचमुच अपने आप में बिजली के मामले में सारण जिला में एक कीर्ति स्थापित हुआ है। मटककड़ा गांव जहां बूथ बना, जहां बिजली के पोल खंभे और ट्रांसफार्मर गड़े, जहां सड़क पहुंचा, ये अपने आप में एक बड़ा मिसाल है विकास का। हमारा 60 वर्ष उम्र है, हम लोग के मतलब दादा बाबा कुछ नहीं देखा ये बिजली, हम कलकत्ता में रहते थे वहाँ पर बिजली देखे, हम भी सोचते थे कि हमारे भी गांव में मतलब बिजली हो जाता तो बहुत मतलब अच्छा होता। हमने आज तक बिजली नहीं देखा था, जो आज हमको देखने में मिला है। हमारा गांव बिजली से बहुत खुशी है। इन्होंने सांसद हमारा राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने ये बिजली को लगवाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बिजली तो हम लोग देख लिया, जैसे हम लोग का आशा नहीं था कि बिजली देखेंगे, लेकिन रूढ़ी जी का देन है कि देख लिया। हमारे गांव में आज तक दादा बाबा कोई भी नहीं देख बिजली देखे थे और काफ़ी हम लोगों को तकलीफ हो रही थी। करीब करीब 50-55 बरस शादी की हो गई, बहुत सब तरह का तकलीफ थी बिजली न होने से। बिजली आने से हम लोग का बच्चों को पढ़ाई का साधन या हर काम के साधन है, खाना बनाने में भी। पहले सूर्य डूबने के पहले हम लोग खाना बनाते थे ना अंधेरा के चलते, अब है कि 9 बजे 10 बजे जब मन चाहे तब खाना बनाते हैं। पंखा का आरामी में बहुत अच्छा से रहते हैं, पहले गर्मी होने पर बेचैनी रहती थी, अंधेरा होने पर रात को बहुत तकलीफ से हम लोग समय काटते थे। जब से लाइन गांव में आ गई उस समय से हम लोगों को काफ़ी सुख शांति है। सांसद रूढ़ी जी हम लोगों को ट्रांसफार्मर लगवाएँ, लाइन दिवाएँ, बहुत हम लोग से सुख शांति में है।